चुन के अरेस्ट करेगा, सब को जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स, फंड कलेक्शन यही तो चल रहा है। और इसको बाद में आप धमकी दे रहा है, किसको धमकी दे रहा है आप? हम लोग आपको डरते नहीं है, हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीवी रास्ता में निकालेगा। हमारा एजेंट को अरेस्ट कर रहे हैं आप। हमारा अगर आपका हिम्मत है जनता को वोट लेकर राय लेकर जीतने के लिए, तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप हेमंत को अरेस्ट कर रहे हैं? ट्राइबल लीडर हेमंत का बीवी का साथ मेरे को कल बात हुआ, एक ही देश में ट्राइबल लीडर है जो चीफ मिनिस्टर थे। आप क्या नहीं कर रहे हैं? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट करके रखा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और भी ज्यादा वोट में ये लोग जीतेगा। आप हमारा इधर में परसों भी रात में जाके महिला लोगों को तंग किया, आज तंग करके अभी कहता है महिला लोगों ने मेरे को अटैक किया। क्यों रात में हम जाएंगे? और लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस को नहीं बता के आप 3 बजे जाके हमला करते हैं महिला के ऊपर और 5 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, ये क्या कोई तरीका है? एटा कखनो किछु होते पड़े कि माँ भाई बोनेरा? होते पड़े? और हुंकार दिच्छेन, আপনার হুঙ্কার আপনার দলকে চাঙ্গা করার জন্য দিন, আপনার হুঙ্কার আপনার দলকে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য দিন, কিন্তু মনে রাখবেন গণতন্ত্রের জন্য ওটা কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওটা নাইট্রোজেন, ওটা ইলেকশনে কাজ করে না। ইলেকশনের পরে এখানে তো আমাদের সরকার থাকবে, আর আপনি সবাইকে জেলে পাঠাবেন কোথা থেকে? আপনি যে বলছেন সবাইকে জেলে পাঠাবো জুন মাসের পর, আমিও তো বলতে পারি সরকার তো আমাদের এখানেই থাকবে, তাহলে আপনাদের সবাইকেও আমরা জেলে পাঠাবো। কিন্তু আমি কি কথা কখনো বলেছি? আমি এ কথা বলতে চাইনি, তার কারণ আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি অনেক খুন দেখেছি, আমি অনেক বন্দুকের সাথে লড়াই করেছি, আমি অনেক অত্যাচারের সাথে লড়াই করেছি, আমি অনেক স্বৈরাচারের সাথে লড়াই করেছি, আমি এসবে ভয় পাই না। বন্দুক আমার মাথায় ব্রেন অপারেশন হয়েছে, আমাকে ডান্ডা দিয়ে, লোহার ডান্ডা দিয়ে মেরে সিপিএম খুন করতে গেছিলো।